सभी को मेरी राम राम, सभी को पीछे राम राम। आप सभी को मालूम है दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, बल्कि हिसार के बेटे हैं, वो हिसार में ही पले बड़े हैं और मैं यहाँ की बहू हूँ। जब शादी हुई तो इधर ही आई थी, ये मेरा ससुराल है हिसार। अरविंद जी के पिताजी यहाँ नौकरी करते थे, उनका परिवार यहीं रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी में हुआ, लेकिन पालन पोषण लिखाई पढ़ाई सब हिसार में हुई। और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हिसार का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ और जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, बहुत आश्चर्य की बात है कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का भी जन्मदिन था। अब ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वरना एक सिवानी गांव में पैदा हुआ लड़का हिसार में पला बड़ा जाकर मुख्यमंत्री बन जाता है दिल्ली का। अरविंद जी जीरो से शुरू हुए, पहले खुद की पार्टी बनाई उन्होंने और फिर पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि पुरानी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई भविष्य उज्जवल कर दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया और अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हर माता को बहनों को हजार हजार रुपया हर महीना देना है। अभी लागू होने वाली है ये स्कीम। आपके बेटे हिसार के बेटे ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, कोई ऐसी और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई ऐसी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, सरकारी अस्पताल अच्छे किए हो? कोई ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो? ये सब काम केवल और केवल एक ही शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल, हिसार का बेटा केजरीवाल। इसी वजह से मोदी जी आपके बेटे केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, वो ये सब काम नहीं कर सकते। ये सब काम रोकने के लिए मोदी जी ने एक फर्जी केस में आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है। मैं कहना चाहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अभी बांग्लादेश में
बांग्लादेश में ऐसे ही कुछ हालात थे, सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला हुआ था, जबरदस्त विद्रोह हो गया, इतना विद्रोह कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भगवान के लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाला है, मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं हरियाणा की बहू, हिसार की बहू, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा, क्या हिसार इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? केजरीवाल शेर हैं, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकने वाले। पूरे हरियाणा का, पूरे हिसार का आपके बेटे ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, आप क्या उनका साथ नहीं देंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक भी सीट नहीं जानी चाहिए, एक भी सीट नहीं जानी थी। अपने बेटे को, अपने लाल को आपको भारी बहुमत से जिताना है, जिताएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। अभी नलवा में भी हमें एक सभा करनी थी, तो पता चला वहां पे अनाज मंडी ही नहीं है, फिर सरकारी स्कूल भी नहीं है, सरकारी अस्पताल भी नहीं है। वहां पर आयुष्मान कार्ड तो दिए हुए इलाज के लिए, लेकिन आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल को सरकार पैसे नहीं देती, किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, 10 साल में क्या विकास किया भाजपा ने? अभी आप सब टैक्स देते हैं, आपको सबको मालूम है, जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उस पर जीएसटी लगता है। आप माताएं, बहनें, आप लोग आटा खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। आप सबका अधिकार है, सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, बिजली, पानी, सड़क, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज। इसीलिए आपका बेटा ये सब काम आपके लिए करेगा, अरविंद केजरीवाल आपके लिए ये सब सुविधाएं देंगे। दिल्ली पंजाब में ये सब चल रहा है, आपके लिए 5 गारंटी दी है आपके लाल ने। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, जहां अच्छा इलाज होगा, फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव शहर के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, गरीबों का, गरीब बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। चौथी गारंटी, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, मेरी सखियों को हर महीना 1000-1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में ये जल्दी योजना लागू करने जा रहे हैं। पांचवी गारंटी, हरियाणा में बहुत बेरोजगारी है, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सबकी खुशहाली और विकास के लिए
आपके बेटे ने बहुत सारी प्लानिंग की है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे, मंजूर है आप सबको? इसके लिए आपको झाड़ू का बटन दबाना होगा, दबाएंगे? जय हिंद।